आपके सामने है क्लास सेवन्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्न सागर लेसन नंबर 13 नो रूम फॉर लेपर्ड की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पर, रीड द सेंटेंस एंड आंसर दी क्वेश्चंस में। फर्स्ट, इट मस्ट हैव सेंस माई प्रेजेंस बिकॉज इट स्लोली टर्न इट्स हेड एंड लुक डाउन एट मी। यानी यहाँ पे राइटर कह रहे थे कि शायद उसने मेरी प्रेजेंस को पहचान लिया था, तभी उसने अपने धीरे धीरे अपने सिर को मोड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैड सेंस द स्पीकर प्रेजेंस, व्हाट डिड इट डू आफ्टर इट सो द स्पीकर। आंसर इसका, अ गोल्डन लेपर्ड हैड सेंस हिज प्रेजेंस, इट टर्न्स इट्स हेड टू लुक डाउन ऑन हिम। तो यहाँ पे कौन था, एक गोल्डन लेपर्ड था। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट डिड द स्पीकर व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड बीन सीन। तो आंसर इसमें, फर्स्ट ही वाज पजल्ड बट लेटर ही मस्टर्ड अप हिज करेज एंड क्लैप शार्पली। यानी पहले तो वो थोड़े पजल, मतलब थोड़ी सी हैरान में रह गए, थोड़े कंफ्यूज रहे, पर कुछ ही पल उन्होंने थोड़ी हिम्मत की और अपने दोनों हाथों से तालियां बजाई। नेक्स्ट है, देयर्स अ लेपर्ड अबाउट दे टोल्ड मी यू शुड कैरी अ गन। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक लेपर्ड है, तुम्हें अपने साथ एक गन रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हु आर दे इन दिस लाइन, कि ये दे कौन थे जिन्होंने उनसे कहा था। तो यहाँ पे आंसर है ए का, दे आर द हंटर हु वॉर्न हिम अबाउट द लेपर्ड, दे हैड सीन द पग मार्क्स ऑफ लेपर्ड एंड आल्सो हाफ ईटन कर्कस ऑफ डियर। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन, व्हाट चेंज कुड ही बी सीन इन द फॉरेस्ट विद देयर अराइवल, देयर वेयर फ्यू बर्ड्स एंड द लंगूर्स हैड मूव ऑन। फिर है बी में आंसर दिस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड द रेवाइन बिकम अ लिटिल हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ। आंसर इसका, द रेवाइन हैड बिकम अ लिटिल हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ बिकॉज इट्स बीइंग डीप रिमेन इन शैडो मोस्ट ऑफ द डे वेरी पीपल पास दैट वे। यानी समझ रहे हैं आपकी, रेवाइन जो थी उनकी जो घाटी थी वो इसलिए उनके लिए एक हेवन की तरह थी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर समय शैडो रहती थी और बहुत ही कम लोग उस जगह से होकर निकलते थे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एनिमल डिड द ऑथर रेगुलरली सीन एंड हियर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, रोजाना किसको किसकी आवाज़ सुनते थे वो और किसको देखते थे। यहाँ पे है, द ऑथर रेगुलरली हर्ड और सो द बार्किंग डियर पाइन मार्टेंस रेड फॉक्स बियर एंड लंगूर्स। क्वेश्चन थ्री, वाई वर द बर्ड्स एंड एनिमल नॉट डिस्टर्ब बाई द प्रेजेंस ऑफ द ऑथर इन द फॉरेस्ट, द बर्ड एंड एनिमल ग्रो accustomed to his face and knew that he was harmless, they realized that he neither disturbed them nor had he had any attention to take anything from the jungle. Question 4, what reason did the author give to the for the presence of a leopard so close to Missouri? आंसर इसका, द ऑथर फील दैट डिफोरेस्टेशन दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग हिल्स हैड ड्राइवन द डियर इनटू द ग्रीन वैली ऑफ मसूरी। क्वेश्चन 5, ब्रीफली डिस्क्राइब ऑल दैट द ऑथर सो एंड फील्ड व्हेन ही रीच द टॉप ऑफ परितिब्बा। द आंसर इसका, द परितिब्बा वाज अ ब्लीक स्कर्ब कवर्ड हिल्स वेयर नो वन लिव्ड, बिसाइड अ फ्यू पाइन्स ट्री ही आल्सो सो piles of rubbers overgrown and with weeds, and these he realized were the ruins of earliest settler. Then he was struck by a absolute silence and become aware of a strong feeling odor of one of the cat family. There was no movement and he imagined that the dark caverns might be lair of the leopard, but he did not venture further. Next is my think and answer hai. There was a room in the world for a mountain lion and me. Why did you think this world echo in the author's mind? Answer is, this word echo in the author's mind as he was shattered was and delusion. He had a belief in his idyllic world where there was a special bond between animal and human being. He was developed a special bond with leopard who trust him completely and he had accepted him well, but he was broken hearted to see how the trust of the leopard was betrayed. This words echo because he believed in a particularly heavenly world, but no
but now he was left embittered. Question second. It was trust I wanted. I think he gave it to me. इसका डायरेक्ट हम आंसर पढ़ते हैं. Yes, the young narrator loved every bird and animal and mean no harm. They is returned care for him, accepted him and trust him completely. The leopard becomes so trusting that he became less cautious and did not realize that adults are solely driven by mercenary consideration. The acceptance of innocent author presents lead to his undoing. He lost his life. The author feels that the bird and animal will never trust any human being as their trust had been violated. अब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं. अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ वर्ड फ्रॉम द लेसन एंड रीराइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक. ठीक है, अंडरलाइन वर्ड्स को हमें लेसन से ही रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे हम यूज़ को हमने रिप्लेस किया है अकस्टम से. नेक्स्ट में प्रेजेंस हिज बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, इसको रिप्लेस किया गया है क्राउच से. नेक्स्ट में डिफ़िकल्ट टास्क को स्टिफ अंडरटेकिंग. नेक्स्ट नोट बीन पार्शली से, इसको फिटली से बीन पार्शली. फ्रेगमेंट ऑफ रॉक एंड मसोनरी को पाइल ऑफ रबर से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, द वर्ड इन द बॉक्स बिलो रिलेटेड टू डिफरेंट वे इन विच पीपल स्पीक और साउंड इन डिफरेंट सिचुएशन. यूज देम अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स. इसके भी आंसर यहाँ पे हैं. अब नेक्स्ट है इसमें ग्रामर स्टडी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें यहाँ पे फिल करना है वर्ब्स को. जैसे फर्स्ट में लुक का वास लुकिंग हुआ जब हमने इसको सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया. क्योंकि कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब के साथ ing लग जाता है और पास्ट में है तो वास लगा. इसी तरीके से हमने सारे वास और वर्ब को यहाँ पर फिल किया हुआ है. नेक्स्ट है इसमें जी पर, इन द स्टडी अंडरलाइन वर्ड दैट डिनोट द पास्ट परफेक्ट टेंस. जो वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है उन पर हमें अंडरलाइन बनानी है. तो फर्स्ट में है हैड किल्ड, सेकंड में हैड लॉस्ट, थर्ड में हैड विजिटेड, फोर्थ में हैड कंप्लीटेड, हैड सीन, इस तरीके से फिफ्थ आंसर तक कंप्लीट हुए. नेक्स्ट है एच में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें वर्ब्स को यूज़ करके फिल करना है. तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन लग जाता है और वर्ब के साथ ing लग जाता है. तो इसी तरीके से हैड बीन स्टडिंग आया. नेक्स्ट में हैड बीन एक्सरसाइजिंग हुआ. नेक्स्ट हैड बीन वर्किंग. इस तरीके से सभी आंसर यहाँ पर हो गए हैं. फिर है इसमें स्पीकिंग पोर्शन में कहते हैं रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन बिलो बाई एक्सप्रेसिंग रिग्रेट. यानी कि अगर आपके सामने सिचुएशन दी जाए तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो यहाँ पर हमें लिखना है. सारे आंसर हमने यहाँ पे लिखे हैं. सिचुएशन ब्लैक कलर में है कि आपके सामने क्या सिचुएशन है और आपको किस तरीके से बोलना है उस सिचुएशन में. तो यहाँ पर सभी आंसर मैंने 4 तक लिख दिए हैं. नेक्स्ट है इसमें राइटिंग पोर्शन में आपको ये पैराग्राफ दिया होगा एक लेपर्ड के ऊपर. हमें इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है और यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है. पहले लिखी है फिज़िकल फीचर क्या है. द लेपर्ड हैज़ रिलेटिवली शॉर्ट लेग, लॉन्ग बॉडी एंड अ लार्ज स्कल. इट रन एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर. इट्स कोट इज कवर्ड बाई स्पोर्ट अरेंज्ड इन रोसेट्स. नेक्स्ट है हैबिटेट यानी वो कैसी जगह पर रहता है. द लेपर्ड सक्सेस इन द वाइल्ड इज ड्यू टू इट्स वेल कैमोफ्लेज फर, इट्स स्ट्रेंथ टू मूव हैवी कारकासेस इनटू अ ट्री एंड इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू वेरियस हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम रेन फॉरेस्ट टू स्टीप इंक्लूडिंग अराइड माउंटेन एरिया. ठीक है, फिर है फूड हैबिट्स में वो कार्निवोरस एनिमल होता है जो दूसरे जानवरों को अपना शिकार करके उनको खा जाता है. नेक्स्ट है स्टेटिक्स में कि इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि कितने, मतलब 12,000 से लेकर 14,000 तक लेपर्ड इंडिया में हैं. और साथ ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हैं. जैसे लेपर्ड आर क्लासिफाई एज नियर दी ट्रीटेड एंड इट्स पॉपुलेशन इज डिक्लाइन. दे कैन रन अप टू 36 मेगा एम पी एच एंड कैन
मीटर पर आवर एंड कैन हेयर फाइव टाइम्स मोर साउंड देन द ह्यूमन ईयर। इस तरीके से ये लास्ट पोर्शन था इस वीडियो का जो कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।